यू आर ऑल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव सीन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लड एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुप साथ ही साथ देखेंगे हुई इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर और रेसिपियन एंड एट लास्ट हम देखने वाले हैं वॉट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं वो है प्लाज्मा और ब्लड सेल ब्लड सेल के तीन टाइप्स होते हैं वो है प्लेटलेट्स आर और डब्ल्यू और डब्ल्यू के फिर से पांच टाइप्स होते हैं तो इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में ही दे दी है तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जिससे ब्लड से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी और अगले वीडियो में हम ब्लड रिलेटेड डिसीज को डिस्कस करने वाले हैं तो इन तीनों लेक्चर में ह्यूमन ब्लड का मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा नाउ लेट स्टार्ट्स अवर टूडेज टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुप अपने साइंस के सभी ब्रांचेस के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो साइंस की ही और एक ब्रांच है वो है हीमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी मीन्स जिस सब्जेक्ट में ब्लड से रिलेटेड सारी जानकारी होती है सो वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेमेटोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसीजेज इज़ कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी ह्यूमन ब्लड में जो प्रोटीन है लाइक like एंटीजन और जो एंटीबॉडीज़ है उसके प्रेजेंस या अपसेंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं तो ब्लड ग्रुप के बेसिकली चार टाइप्स है वो है ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ तो जो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है इन तीनों ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल्स लैंडस्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने की है और ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसकी डिस्कवरी डिकेस्टिलो और स्टर्ली नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में की थी ब्लड ग्रुप का और एक टाइप कार्ल्स लैंडस्टेनर और अलेक्जेंडर विनर ने 1937 में डिस्कवर किया था वो टाइप है आर फैक्टर जिसे रेसेस ब्लड टाइप भी कहा जाता है The Rh factor is a protein that can be found on the surface of red blood cell that is RBCs. Blood mein rbc's hai में आर है ये हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है तो जो आर है इसके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन है वो प्रोटीन होता है आर फैक्टर तो ये आर एच फैक्टर सभी ह्यूमन में रहता है ऐसे हम नहीं बोल सकते तो जिस पर्सन में या फिर जिस पर्सन के ब्लड में आर एच फैक्टर ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड आर एच पॉजिटिव होता है फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है और मेरे ब्लड में ये प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज़ आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो मेरा ब्लड ग्रुप हुआ ओ पॉजिटिव अगर किसी पर्सन में आर एच फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा आर एच निगेटिव फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर एक्स पर्सन है अगर उसका ब्लड ग्रुप है ए और उसमें आर एच फैक्टर ये प्रोटीन अगर अपसेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हुआ फिर ए निगेटिव क्योंकि उसमें आर एच फैक्टर नहीं है तो इस वजह से वो हुआ आर एच निगेटिव अगर किसी पर्सन में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो हुआ आर एच पॉजिटिव तो फिर इसी आर एच फैक्टर के बेसिस पे ब्लड ग्रुप के एट टाइप्स होते हैं वो है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए निगेटिव बी पॉजिटिव बी निगेटिव ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव एंड ए निगेटिव इन सभी एड ग्रुप जो है ब्लड के तो इन सभी एड ब्लड ग्रुप में से एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है वो है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव पर्सन कैन डोनेट द ब्लड to the person having any other blood group means O negative blood किसी भी blood group के person को दे सकते हैं if that person needs blood so O negative blood is universal donor अभी देखेंगे कौन सा blood group किस person को दे सकते हैं तो जैसे देखें यहाँ पे blood O positive है अगर किसी person का blood group है O positive तो वो सिर्फ़ ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव पर्सन को ही खुद का ब्लड दे सकता है जैसे मैंने अभी बोला है कि ओ निगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर है तो यूनिवर्सल डोनर होने के रीजन से जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है वो पर्सन सभी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है जैसे मैंने यहाँ पे देखे ग्रीन लाइन लिखी है तो ये इन सभी को अपना ब्लड दे सकता है अगर किसी पर्सन में ब्लड ग्रुप उसका होता है ए पॉजिटिव तो वो सिर्फ देगा ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव पर्सन को ही वो अपना ब्लड दे सकता है इफ़ दैट पर्सन वॉन्ट्स ब्लड अब अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए निगेटिव है तो वो पर्सन सिर्फ ए पॉजिटिव ए निगेटिव ए बी पॉजिटिव और ए निगेटिव वाले पर्सन को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है नाउ अभी देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप्स ले सकता है वो है ए बी पॉजिटिव ब्लड तो ये जो पर्सन है मीन्स ए बी पॉजिटिव ब्लड जिस पर्सन का है वो सभी टाइप का ब्लड ग्रुप ले सकता है अगर उसे ज़रूरत है तो वो सभी टाइप का ब्लड ग्रुप ले सकता है इसी वजह से उस पर्सन को या फिर उस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपियन कहते हैं नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर बॉडी में किसी रीजन से ब्लड का शॉर्टेज हो जाता है तब बॉडी को बाहर से ब्लड दिया जाता है अगर किसी रीज़न से जैसे कि उसको इंजरी होती है या फिर सर्जरी हो जाती है तो वैसे पर्सन को बाहर से ब्लड दिया जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरीड आउट टू कंपनसेट द ब्लड शॉर्टेज इन बॉडी नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन चार टाइप के ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं वो है रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो सबसे पहले देखेंगे रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन अ पर्सन में रिसीव अ रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन इफ दे हैव ब्लड लॉस ब्लड डिसऑर्डर या फिर आयन डेफिशेंसी एनीमिया तो ऐसे कंडीशन में उस पर्सन को रेड ब्लड सेल दिए जाते हैं सेकेंड है अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कैन हेल्प दोज हु हैव लोअर प्लेटलेट काउंट और प्लेटलेट डिसऑर्डर थर्ड है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं इफ़ पर्सन हैव सीवियर बर्न इन्फेक्शन या फिर लीवर फेल्यूर तो उस टाइम प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और लास्ट ट्रांसफ्यूजन है होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को सीवी सीवियर ट्रोमेटिक हिमोरेज होता है मतलब इंटरनल इंजरी अगर किसी पर्सन में होती है तो उसे होल ब्लड दिया जाता है क्योंकि उस पर्सन को डब्ल्यू की भी ज़रूरत है आर की भी ज़रूरत है और प्लेटलेट्स की भी ज़रूरत होती है तो वैसे पर्सन को होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है नाउ देखेंगे ब्लड बैंक क्या है ब्लड बैंक इज़ अ प्लेस वेयर सप्लाईज ऑफ ब्लड और प्लाज्मा फॉर ट्रांसफ्यूजन आर स्टोर्ड। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है फॉर मेनी डेज और मंथ ब्लड को प्लास्टिक बैग में कलेक्ट किया जाता है और जब भी किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती है तो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का ब्लड वहाँ पे भेजा जाता है तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया है तो ब्लड बैंक में ऐसे ब्लड प्लास्टिक बैग्स में कलेक्ट करके रखा जाता है तो आज हमने क्या देखा है हमने ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल जानकारी देखी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन से टाइप्स के होते हैं वो भी देखा है तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उनके बारे में इन डिटेल देखने वाले हैं